What is up YouTube? आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है क्योंकि इसमें मैं कुछ एकदम ही अलग ट्राई करने जा रहा हूँ। चलिए दिखाता हूँ कि वो क्या चीज़ है। इट इज़ द रिपेयर ऑफ माई स्टीयरिंग व्हील। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे होल्स हो गए हैं फोम में। ये लास्ट ईयर जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी अंदर मॉइस्चर पूरा जमा हो गया था और उस मॉइस्चर के ऊपर फंगस आ गया एंड वो फंगस ने स्टीयरिंग व्हील खा लिया यहाँ से। तो आज आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट टू रिपेयर दिस एंड फिर उसके बाद जब इसको थोड़ा इवन आउट कर लूँगा उसके ऊपर कार्बन फाइबर का वाइनल रैप करूँगा ताकि इसका लुक एकदम बढ़िया जाए। सो गाइज, इसका सरफेस स्मूथ करने के लिए आपको चाहिए एसीटोन। एसीटोन इसके ऊपर थोड़ा सा स्पिल करेंगे, फिर उसके बाद एक रफ़ चीज़ जैसे स्कॉच ब्राइट से उसको घिसना है जिससे कि ये पूरा एरिया स्मूथ हो जाएगा। यू कैन सी ये जो सेंटर वाला एरिया है वो काफ़ी स्मूथ हो गया है, बट ये दोनों जो एजेस है यहाँ पे आप देख सकते हो अभी भी काफ़ी बड़े बड़े डिप्रेशन है, एक इस एज पे और एक इस एज पे। सो इन दोनों डिप्रेशन को फिल करना होगा एंड फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज़ फेविक्विक जिंदाबाद। गाइस एज़ यू कैन सी ये फेविक्विक से ये जो डिप्रेशन है ज़्यादा भरे नहीं क्योंकि ये बहुत ही पतला है फेविक्विक, सो इससे हमारा काम नहीं बना। सो नाउ इंस्टेड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू यूज़ दिस एपॉक्सी एडिसिव। सो बेसिकली इसमें दो पार्ट्स हैं, वन इज़ द रेसिन एंड वन इज़ द हार्डनर। सो दोनों को इक्वल क्वान्टिटीज में मिक्स करना है। एपॉक्सी अगर आप देखेंगे फास्ट सेटिंग लिखा है 5 मिनट्स का, सो वी आर गोइंग टू अप्लाई इट ओवर हियर, मेक इट नाइस एंड स्मूथ एंड वेट 5 मिनट्स टिल इट सेट्स। पुराना स्टारबक्स का कार्ड है, सो आई एम जस्ट गोना यूज दैट टू मिक्स दिस। इसके अंदर डाल के फिर कार्ड को ऊपर ऐसे फ्लैट रख के ऐसे खींचना है तो वो जो गैप है वो इस ग्लू से भर जाएगा। करना पड़ेगा अगर आपके पास सैंड पेपर है, सो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बट आई डोंट हैव दैट, सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ स्कॉच ब्राइट का। पहले से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 100% स्मूथ नहीं हुआ है बट के ऊपर अभी वाइनल रैप लगाने वाले हैं, सो इतनी स्मूथनेस इज इनफ। So this is nice and clean, so we can start with applying the vinyl wrap. So since we're not using a heat gun here, आपको हाथ से पकड़ के जो है इसका material stretch करना होगा ताकि वो curve हो सके steering wheel के curve के साथ। इतना आसान नहीं होगा। इसको लगाने का तरीका ये है कि आप सेंटर से स्टार्ट करो और इसे जो है आराम से खींच खींच के इसका मटेरियल जो है स्ट्रेच करो, आपको दिखेगा इसका मटेरियल स्ट्रेच हो तो आप, और ऐसे ही करते करते साइड पे जाना है, बहुत ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। यहाँ से इसको पेस्ट करेंगे तो जो रिंकल साइड में बनेंगे जब साइड वाला करेंगे तो रिंकल्स निकलते जाएंगे।
जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इसको नीचे से पकड़ के ऐसे स्ट्रेच करना ताकि जो नीचे वाला सरफेस है उस पर चिपके ये। पोर्शन जो है इसको कट करेंगे, कर्व होके चिपका देंगे इसको, तो आगे से जो है एकदम नीट लुक आएगी। ऐसे पीछे की तरफ इसको चिपका देना है। Okay guys, so now this front side is done. Now what we're going to do is we're going to cut off the edges. जो overlap वाला part है वो इतना neat नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। So I'm just gonna cut that off with this blade to give it a nice neat look from the back also. This is the front view. आप देख सकते हो कि कितना neat आया है, और ये जितना ही neat है आगे की तरफ ये बिल्कुल उतना ही neat है पीछे की तरफ भी। Now this is so much better to hold, so much more comfortable. एकदम अच्छी स्मूथ फीलिंग आ रही है इसको पकड़ के, एंड दिस जस्ट लुक्स सो मच बेटर देन बिफोर नाउ। होंडा के लोगों पे जो वाइनल लगाया था मैंने, ये ठीक से लगा नहीं है, सो आई एम गोइंग टू रिमूव इट एंड आई एम गोइंग टू रीडू इट ऑल ओवर अगेन। गाइज ये लोगों को मैंने फिर से रैप कर दिया है रेड कार्बन फाइबर वाइनल से,
लेकिन इस बार आप देख रहे हो कि मैंने एज से थोड़ा ज़्यादा लिया है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने एज पे काटा तो एज से निकलना चालू हो गया था। सो गाइस, ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है, बट क्योंकि ये पूरा रेड है तो ये होंडा का लोगो बीच में अभी इतना नोटिसेबल नहीं है, सो इसलिए ये जो बैकग्राउंड वाला पार्ट है उसको मैं ब्लैक कर दूंगा, ताकि ये जो होंडा का लोगो है वो एकदम स्टैंड आउट हो। फिर तो गाइस, स्टीयरिंग व्हील का कार्बन फाइबर रैप कंप्लीट हो चुका है एंड इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग।